जिस केस लॉ में जो ये किया गया है, कहां पे ये एक मेडिकल से जुड़ा हुआ ही मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि जजेस राजा नहीं है, जजेस कानून से ऊपर नहीं है, जजेस कोई इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाएंगे और धमकी देंगे, धमकी देने का तो अधिकार जजेस को है ही नहीं। अब देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दर्ज की कि बाबा रामदेव भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और एलोपैथिक डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं। भाई, एलोपैथिक डॉक्टरों को बाबा रामदेव बिल्कुल बदनाम नहीं कर रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ बाबा रामदेव खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहां भी रिसर्च कीजिए, हम आपके साथ मिलकर के रिसर्च करते हैं, हम दोनों जो एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, सब मिलकर के भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं, इसमें क्या गलती है? लेकिन फार्मा को यह मंजूर नहीं है। फार्मा कह रहे हैं कि नहीं, देखो साहब, एलोपैथी वालों को बतला रहा है कि देखो तुम्हारे पास तो कोई चारा नहीं है, तुम नेचुरोपैथी का करने जाओगे तो देखो तुमको लोग ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि जितने एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो नेचुरोपैथी की तरफ अग्रसर होइए, मैं आपको कहता हूं आपकी साख सबसे ज्यादा बढ़ेगी। नेचुरोपैथी से तात्पर्य यह है कि जिस पेशेंट को जिसकी आवश्यकता है वो बताइए। हर चीज में वो दवाई घुसड़ने का काम मत कीजिए, हर चीज में इंजेक्शन घुसड़ने का काम मत कीजिए। अगर ऐसा भी कर लेंगे तो इस देश के प्रति आपकी सेवा स्थापित हो जाएगी। फार्मा कह रहे हैं एलोपैथिक डॉक्टरों को कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको बाबा रामदेव का विरोध करना है। और फार्मा के इशारे पर, और ये सब गए कौन कौन है, ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं ना, ये हॉस्पिटल्स के जो दलाल हैं, ये दलालों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी कब्जा कर लिया है। ये संस्था भी अच्छी थी, बड़ी अच्छी संस्था थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे जो डॉक्टरों के हित के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की रक्षा के लिए अक्सर काम किया करती थी। लेकिन जब से ये दलाल डॉक्टर्स ने इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर कब्जा किया और फार्मा कॉरपोरेट हॉस्पिटलों के साथ मिलकर के WHO के साथ साठगांठ करके, क्योंकि WHO ने इन सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, हेल्थ केयर पर कब्जा कर रखा है, इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में वही लोग आते हैं उच्च पदों पर, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद पर, जो कि WHO जिनको की प्रोटेक्ट करता है, WHO जिनको कहता है कि तुम फला काम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बिल गेट्स तो पिछले 20 साल से तो बिल गेट्स ने भारत के हेल्थ केयर को अपने कब्जे में कर रखा है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मालूम है, उसके बाद भी औषधि दुकान खोले जा रहे हैं, खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी की औषधि की दुकान में आयुर्वेद की भी दवाइयां बिकनी चाहिए, ये अपने आयुर्वेदाचारी को बोलिए, अपने आयुष डिपार्टमेंट को बोलिए कि आयुर्वेद की भी दवाइयां बिकनी चाहिए। अच्छी बात, एक खुशखबरी दर्शकों आपके लिए यह है कि इंडियन मेडिकल कमीशन ने अपना लोगो परिवर्तित कर दिया है और इंडियन मेडिकल कमीशन ने अपने लोगों में भगवान धन्वंतरी का फोटोग्राफ डाल दिया है। अब इससे बिल गेट्स आग लगेगा, उनके तन बदन में आग लगेगा, ये किस रास्ते पर जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, मेरी एक बार बात हो रही थी एक बड़े लॉयर से और उस लॉयर ने कहा, जो हम लोगों का मुकदमा लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि देखिए, बाकी चीजों पर इस सरकार का विरोध किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगा, सिद्धा, यूनानी के लिए अगर कुछ किया भी जाएगा तो यही सरकार करेगी, इसीलिए हमारा मोदी जी पर भरोसा है कि आप लाख बिल गेट्स के साथ रहें, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि आपको, आप शायद उनका सब कुछ जान लेना चाहते हैं और अंत में आप एलन मस्क के ही साथ कूदेंगे। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मोदी जी, उनको अगर धोखा देना है ना तो एक बार बढ़िया से धोखा दीजिए इस गेट्स को। जैसे ही आप इस बिल गेट्स को धोखा देंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, पूरा देश। इस बिल गेट्स को धोखा दीजिए, हम लोग ताली और थाली बजाएंगे आपके नाम पर। इस बिल गेट्स के चक्कर में मत फंसिए। बिल गेट्स ने कुछ दलालों को आपके सरकार में इंडक्ट कर दिया है,
वो वहां आपकी सरकार में आपके नाक के नीचे काम कर रहे हैं, उनके दलाल, उनके दलालों को पहचानिए। और ये बिल गेट्स, ये WHO, ये ग्लोबलिस्ट पावर जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हर जगह अपने दलालों को फिट कर दिया है। और इसलिए जहां से भी नैरेटिव निकलता है मीडिया में, ये सारे दलाल मिलकर के उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपको कहता हूं कि अभी तो बाबा रामदेव जी का साथ दीजिए आप। और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क आज बाबा रामदेव के साथ खड़े हैं। बहुत सारे सवाल बाबा रामदेव और पतंजलि से क्यूबाइब नेटवर्क को हैं, खासतौर से राजीव दीक्षित जी के मामले में। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बाबा रामदेव के साथ खड़ा हूं, योगा सिद्धा यूनानी को लेकर के। हालांकि बाबा रामदेव से जो सवाल किया गया उस पर भी जवाब आया है और बहुत हद तक संतोषप्रद जवाब हैं, लेकिन खैर उस विषय में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी जो मिलोर्ड ने जो कुछ भी कहा है, मैं मिलोर्ड से आग्रह करना चाहता हूं, मिलोर्ड, एशियन पेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्रॉम्पटन, इन सबको भी नोटिस जरा भेजिए कि आप भ्रामक विज्ञापन क्यों दे रहे हैं।